डेटा के जो इंडियन वेरेंट है उसके ऊपर में कारगर साबित नहीं है तो इसलिए उन्होंने क्या निकाला एक बूस्टर निकाला है जो डेल्टा वेरिएंट नया है इंडिया वाला उसके लिए ताकि वो उस चीज को कंप्लीट कर सके एफ को देख लेते हैं आज तो यहां पर एफ ने सेलिंग दर्ज करी है जिसके कारण मार्केट बहुत वीकनेस में आपको देखने को बार बार मिल रहा था जो डिप मिली थी वो इसी की वजह से मिली थी अब बात कर लेते हैं बोनस इशू की वन एस टू थ्री एंड द फाइनल डिविडेंट जो है कंपनी ने आपको निकाल के दिया है यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अप्रूव किया है फाइनल डिविडेंट तीन रुपए पर शेयर का बोनस शेयर इश्यू किया है रेशियो ऑफ वन एस टू थ्री का तीन के बदले एक शेयर आपको जो है कंपनी दे रही है फिलहाल के लिए ठीक है तो कंपनी का आज क्वार्टर रिजल्ट आया था काफी अच्छा क्वार्टर रिजल्ट भी कंपनी ने दिया था छह परसेंट का जो है क्वार्टर में जंप आपको देखने को मिला ठीक है और बोनस इशू जो है ये डेट से तो इसके कारण क्या होगा कंपनी में कल आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी हालांकि पेड ग्रुप के अंदर में लोगों को पहले बता दिया गया था अभी अगर बाय कर लेते हैं टाटा मोटर्स पर आ गई है बाय रेटिंग जाके झुंझुनवाला ने भी इसमें निवेश कर रखा है तो आप टाटा मोटर्स का जो नया टारगेट है वो आपको दिया जा रहा है चार का ठीक है चार सौ पांच रुपए का टारगेट दिया जा रहा है तो आप चाहे तो इसको स्टिल अभी बाय कर सकते हैं इस लेवल पर जो अभी आई थिंक थ्री फोर्टी थ्री के लेवल पर शायद वो चल रहा है तो यहां से आप बाय कर सकते हैं काफी अच्छा है जो मूवमेंट है हाइएस्ट जो इसने बनाया हुआ हुआ है वो बनाया छह सौ अब यहां पर क्या हो रहा है कि आईपीओ के अंदर में क्या हो रहा है कि ग्रे मार्केट का जो प्रीमियम है वो गिर गया है किसका दोदला डेयरी का और किम्स का जो आईपीओ में जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो गिर गया जो एक सौ साठ रुपए चल रहा था वो गिरकर रह गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आधा कितना रह गया ऑलमोस्ट आधा रह गया मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि एक ग्रे मार्केट डीलर ने ईटी e. मार्केट को बताया था ठीक है कि एक सौ रुपए से जो एक सौ रुपए चल रहा था वो घटकर सत्तर से अस्सी रुपए रह गया और किम्स का जो मार्केट प्राइस डेढ़ सौ से एक सौ चल रहा था वो सत्तर रुपए रह गया ठीक है किम्स ने जब अपने आईपीओ की घोषणा की थी तब तो उसका प्रीमियम तीस से चालीस रुपये लेकिन बाद में बढ़ गया था लेकिन अभी भी इतनी पोटेंशियल दिख रहा है कि जब ये लिस्ट होंगे तब तक इनका प्रीमियम जो है ग्रे मार्केट में बढ़ चुका होगा तो आप इन दोनों के अंदर में पैसा जो है लगा सकते हैं दोनों का जो प्रीमियम है ऑलमोस्ट सेम आ रहा है ट्राई करें आ, दोदला डेयरी को सबसे पहले अगर आपके वो एक ही आईपीओ लेने की पावर है तो अब यहाँ पर देखिए रिलायंस जो अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप है उसकी उसमें आई है एक बड़ी खबर जो कंपनी है उसको खरीदेगी ऑथम ठीक है इतने करोड़ में होगा डील सौदे के तहत पर दिखा देता हूँ सौदे के तहत बीओबी -बी की अगुवाई बैंक समूह दो करोड़ रुपए जो है क्या मिलेगा तो रिलायंस होम फाइनेंस की बात कर रहे हैं हम ऑथम इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जो है इसके लिए एक बोली लगाई कितना दो करोड़ का ठीक है तो रिलायंस होम फाइनेंस के अंदर में जो है कंपनी जो है बिकने जा रही है दो करोड़ रुपए के अंदर में और ये पैसा जो मिलेगा बी, बी के थ्रू मिलेगा किसको मुकेश अंबानी जी को बीओबी के थ्रू ये मिलेगा तो मैं सीधे लेकर आ गया हूं शेयर पर पांच रुपए का शेयर आपको देखने को मिल रहा है अपर सर्किट के अंदर में शेयर लगा हुआ है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था वहां से तो है पैसा इसने क्या कर दिया है डबल कर दिया अच्छा मैंने एक चार्ट की बात करूं तो अभी भी यही जो अभी लेवल है वो सबसे ऊपर चल रहा है एक साल के पहले की चार्ट की बात करूंगा तो भी ये ले लिखेगा लेकिन मैक्सिमम चार्ट बात करूंगा तो यहां पर जब ये शेयर आया था तो आप देख सकते हैं एक सात रुपए के ऊपर में जो है लिस्ट हुआ था ठीक है उसके बाद में ये कंपनी जो है नीचे की तरफ जाती रही लेकिन अभी इसके अंदर में जो ये खबर आई है रिलायंस होम फाइनेंस की उससे कंपनी में लग जाएंगे चार चांद और यही शेयर आपको बना देगा मल्टी बैगर लखपति ठीक है तो इस शेयर को आप कल के दिन में अपनी वॉच लिस्ट में लगाना ना भूलें पावर ग्रिड ने दिया है आपको वन का बोनस ठीक है तो पावर ग्रड हो गया यहाँ पर टाटा का मोटर्स का आ गया और रिलायंस होम फाइनेंस तो तीन शेयर आपको जो है कल के मार्केट में आपको बूम करते हुए जरूर देखने वाले हैं और ये हमारा ग्रुप का नंबर है आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर वन टू ज्वाइन ठीक है ये नंबर आप सेव कर सकते हैं ढाई सौ रुपये पर मंथ का फीस से जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे एक महीने के लिए और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर भी नीचे महीने इंजन बुकिंग जीरो था दोनों का लिंक दिया हुआ है बेसिकली क्यों क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना तो आप बैंक के साथ में करते हैं तो आपको सौ पर ट्रांजेक्शन देना होता है जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको बीस पर ट्रांजेक्शन ही लगता है ठीक है जीरो था के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता दो सौ आपको दो सौ रुपए में नहीं देना होता अकाउंट ही फ्री है और आप में इसको तीन गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में ठीक है एक महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और एक महीने के लिए जो है आपको मार्जिन तो ब्लॉक भी फ्री मिलता है कि अगर आप किसी ऑप्शन के तो शेयर को अगर आप सेल करते तो डेढ़ लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी एक महीने के लिए फ्री तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं कभी एंजल से कभी जीरोदा से एज पर योर कन्वीनस ठीक है तो लेकिन दोनों में अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है है, जो आपको दिखता नहीं है होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं, उसको आपके के के साथ में, में। जिसके अंदर अंदर आपका खुला हुआ है, या फिर और के अंदर में। so, नीचे दो दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है आप 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 दोनों का आप कर सकते, दोनों कर के अंदर आप खुला सकते कोई भी दिक्कत आती और मुझे आप कर सकते है, इसी नंबर पर